बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में होंगे शामिल। एयरफोर्स वन के विमान से ट्रंप जा रहे हैं आज शाम नेशनल कन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। कल के हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल हमला होता है, उनके कान से छूटी गोली निकल लगती दिखाई देती है, वो साइड से निकल जाती है और फिर खून के धब्बे उनके गाल पर और कान पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद ये बड़ी खबर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि वो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी खबर सामने आती है, हमलावर एक ढेर कर दिया जाता है और बताया जाता है कि उसका नाम थॉमस मैथ्यू है। 20 साल की उसकी उम्र बताई गई और उसने एक वीडियो भी उसका सामने आया था जहां वो कहता दिखाई दे रहा था कि आई हेट ट्रंप। इसके अलावा बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया था। और आज ये बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जहां बताया जा रहा है कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में वो शामिल हो सकते हैं नवंबर में चुनाव। और उससे पहले बड़ी खबर, तो ट्रंप पर हुए हमले को लेकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। तो वे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि दरअसल पूरे घटनाक्रम की शुरुआती जांच जो है वो चल रही है, हमलावर कौन था इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, हमलावर जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम बयान के बावजूद जो जांच, इसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तमाम रहस्य है जो निकल के सामने आ रहे हैं। क्या कुछ है पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बाल बाल बचे ट्रंप, साजिश के सबूत, बाइडेन का बयान। We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. किसका इंतकाम, पेंसिल्वेनिया में प्रचार के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला किया गया, उसने अमेरिका को सन्न कर दिया। महज 9 सेकंड में ट्रंप पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक 6 गोलियां दागी गईं। कान को चीरती हुई गोली ट्रंप की कनपट्टी के बगल से गुजर गई। ट्रंप लहूलुहान हुए लेकिन बाल बाल बच गए। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को ढेर कर दिया। जरा देखिए किस तरह ट्रंप ने झुककर खुद की जान बचाई और पलक झपकते ही सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया और सुरक्षित बाहर ले गए। हालांकि हमले के बाद भी ट्रंप का अंदाज देखने लायक था। अब ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जल्द से जल्द पूरी घटना की जांच की बात की, साथ ही लोगों से कोई कयास न लगाने की अपील भी की। The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. Everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. I'm instructed that this investigation be thorough and swift. वहीं बाइडेन के राष्ट्र के नाम संदेश के बीच डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर उनके समर्थक जुटने लगे। वहीं ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की रैली के लिए जाने का भी ऐलान कर दिया। यानी ट्रंप ने अपने प्रचार कार्यक्रम में किसी भी तरह के फेरबदल से इनकार करते हुए अपने कार्यक्रम को जारी रखने का ऐलान किया। कल हमले के बाद ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का धन्यवाद किया। हालांकि सुरक्षा में चूक को लेकर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस सवालों के घेरे में है। अब ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने भी बयान जारी कर अमेरिका में बदलाव का दावा किया है। मेलानिया ट्रंप ने लिखा, जब मैंने अपने पति पर हमला होते हुए देखा तो मुझे अपना और अपने बेटे के जीवन के लिए डर लगा, लेकिन मैं सीक्रेट सर्विस के बहादुर एजेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे पति को बचाया। बदलाव की हवा पहुंच गई है। मेलानिया ट्रंप ने रविवार को अमेरिकियों से घृणा से ऊपर उठने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया जहां प्रेम सर्वोपरि हो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि इस समय ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एकजुट रहें और अमेरिकी होने के नाते अपना सच्चा चरित्र दिखाएं, मजबूत और दृढ़ बने रहें और बुराई को जीतने ना दें।
My name is Thomas Matthew Crooks. थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, वो बंदूकधारी जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि उसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया था। एक 20 साल का पंजीकृत रिपब्लिकन था जो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मतदान करने वाला था। वो पिट्सबर्ग के उपनगर बेथेल पार्क में रहता था जो कि ट्रंप के रैली स्थल से लगभग 56 किलोमीटर दक्षिण में है। वहीं ट्रंप पर हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। ट्रंप की रैली में गोलीबारी के बाद संदिग्ध व्यक्ति के घर पर और उसकी गाड़ी में बम बनाने के सामान भी मिले हैं, जिसने अधिकारियों को हैरान कर दिया है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या ट्रंप को बम से उड़ाने की प्लानिंग थी, क्या ट्रंप पर दोबारा हमला करवाया जा सकता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की और हमले को लेकर जानकारी ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने पहले की तरह रैलियों में व्यस्त रहने वाले हैं। लेकिन अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर अब भी अमेरिकी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो देश किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सामना कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से इस घटना को लेकर के पूरी दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट करके लिखा था कि दरअसल लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को लेकर के कोई जगह नहीं है। हालांकि पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से जो एक शूटर था थॉमस मैथ्यू, उसे मौके पर ही ढेर कर दिया गया था, जबकि जो एक शूटर है उसको अरेस्ट कर लिया गया। और माना दरअसल ये जा रहा है कि शूटर के जरिए तमाम बड़े खुलासे यहां पर किए जा रहे हैं। एफबीआई की जो जांच चल रही है, एफबीआई की जांच में तमाम खुलासे हो रहे हैं और जो शूटर का परिवार है वो जांच में सहयोग कर रहा है। जिस एआर स्टाइल राइफल से हमला हुआ था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। यहां पर राइफल को पिता ने वैध तरीके से खरीदा था, लेकिन थॉमस मैथ्यू ने अपने फादर के हथियार को इस्तेमाल किया था ट्रंप पर हमला करने के लिए। शूटर ने अकेले हमले को अंजाम दिया था, उसकी फैमिली का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। शायद यही वजह कि फैमिली अब जांच में सपोर्ट कर रही है। इसके बाद किसी और के भी शामिल होने की जो है यहां पर जांच की जा रही है। अब फैमिली तो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन क्या शूटर के साथ कोई दोस्त था या कोई ग्रुप था उसको लेकर यहां पर जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के शामिल होने की बात निकल के सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा देखिए किसी और के शामिल होने के साथ साथ दरअसल जो है एफबीआई की जांच अलग अलग एंगल पे चल रही है कि क्या ये कोई आतंकी साजिश है या फिर जो शूटर है वो उसने इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रंप पर हमला किया है। तो ये तमाम बातें हैं जो एफबीआई की ओर से जांच में इसको लेकर खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग एंगल से जो जांच की जा रही है और जिस तरीके से जो बाइडेन की ओर से भी कहा गया है वो ये कहा गया है कि जल्द ही हमलावर को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि को ढेर कर भी दिया गया है, लेकिन किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया इसके तमाम जो तथ्य है वो निकल के सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, और इसलिए जांच भी हो रही है। एफबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल AR-15 राइफल जिससे हमला किया गया उसकी खासियत क्या है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। डिजाइन 1975 बताया जा रहा है और इसकी लंबाई की बात करें तो 986 mm बताई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, ये AR-15 वही राइफल है जहां दूर से भी निशाना साधा जा सकता है और इजीली आप अपने टारगेट पर जा सकते हैं। फायरिंग रेंज 550 mm, वजन कितना है 3.4 किलो बताया जा रहा है, करीब 3 किलो इसका वजन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी मिल रही है कि आर्मा लाइट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये आसानी से मिल भी जाती है। तो AR-15 वही राइफल जिससे थॉमस मैथ्यू ने हमला किया था और अब इसकी खासियत भी आपको बता रहे हैं।